अरे वाह, ये तो अच्छी खबर आ गई। अरे पापा, आप तो हर व्हाट्सएप फॉरवर्ड को देख के यही कहते हैं कि भाई अच्छी खबर आ गई। अरे कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं है बेटा अजय, अब इसमें तुम्हारा भी फायदा है, अब तुम भी ज्यादा पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। वो कैसे? देखो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि ईपीएफओ के जो मेंबर्स हैं उनको ज्यादा पेंशन से मना नहीं किया जा सकता है, तो अब निजी क्षेत्र के भी जो कर्मचारी हैं वो ये अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं कि उनकी सैलरी से ईपीएस का ज्यादा पैसा कटे और उनको ज्यादा पेंशन मिलेगा। लेकिन ईपीएफओ के मेंबर तो आप भी हैं और आपको तो लगभग 5,000 के आसपास ही पेंशन मिली थी। तो यही तो बढ़ेगी अब पेंशन, इसी की बात तो मैं कर रहा हूँ। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि रिटायर्ड लोगों की भी और सैलरीड दोनों की पेंशन बढ़ जाएगी? हाँ बिल्कुल बढ़ जाएगी, लेकिन अब कितनी बढ़ेगी पेंशन अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कुछ। एम्प्लॉई पेंशन स्कीम इटले के ईपीएस 95 वधेला पेंशन माटे जो रिटायर्ड देवेंद्र शर्मा अप्लाय करे छे तो तेमने मरनारू 5,357 रूपियानु पेंशन वधीने 26,785 रूपिया थई शके छे, एटले के लगभग 400% वधारो थई जशे। जो के तेना माटे तेमने पोताना खिस्सामांथी एरियर जमा करावू पड़शे। अत्यारे देवेंद्र ने पेंशन 15,000 रूपियानी पेंशनेबल सैलरीना आधारे मळी रह्यु छे। 2014 ईपीएफओ ए 15,000 रूपियानी महत्तम लिमिट नक्की करी हती, जेनो अर्थ ए थाय छे कि बेसिक सैलरी 15,000 रूपियाथी वधु होय तो पण पेंशन कैल्क्युलेशन 15,000 रूपिया पर ज थई रह्यु छे। ईपीएफओ नी पेंशन फॉर्मुला छे पेंशन योग्य सैलरी ने गुण्या करीशु जेटला वर्ष नौकरी करी अने भाग्या करीशु 70 साथे। परंतु नवेम्बर 2022 मां सुप्रीम कोर्टे आदेश कर्यो के ईपीएफओ ना सभ्यो वधु पेंशन माटे 15,000 नी कैपिंग नी जग्याए पोतानी आखी बेसिक सैलरी ना आधार पर वधेला पेंशन नो विकल्प पसंद करी शके छे। तो 15,000 नी बेसिक कैपिंग ना आधार पर 25 वर्ष नी नौकरी ना हिसाबे देवेंद्र नु पेंशन थाय छे 5,357 रूपिया। जयरे आखा बेसिक पर जयरे पेंशन कैलक्युलेट करिए छे तो रिटायर थईए ते पहला नौकरी ना छेला 5 वर्ष नी बेसिक सैलरी नु एवरेज थाय छे 75,000 रूपिया। तो देवेंद्र नु पेंशन थाय छे 26,785 रूपिया, एटले के 21,210 रूपिया वधु। रिटायर्ड कर्मचारी जो ईपीएस 95 अंतर्गत ऊंचो पेंशन लेवा मांगे छे तो तेने ईपीएफओ ने एक साथे पैसा आपवा पड़शे, केम के ईपीएफ 15,000 रूपियाना बेसिक ना आधारे डिडक्ट थयुं अने हवे ते तेमना आखा बेसिक ना आधार पर पेंशन मेळववा मांगे छे। हवे समझिए कि तेमना दीकरा अजय ने केवी रीते मळशे ऊंचो पेंशन। अजय ने रिटायर थवामां हजु घणो समय छे। अजयनी अत्यारनी सैलरी 50,000 रूपिया छे। जो 15,000 नी कैपिंग ना आधार पर नौकरी ना 30 वर्ष गणिए तो तेमने 6,428 रूपिया पेंशन मळशे। हवे नवो नियम अंतर्गत तेमनु पेंशन कैलक्युलेट करिए तो नौकरी ना छेला 5 वर्ष नी बेसिक सैलरी नु एवरेज आपणे अंदाजित 1.4 लाख रूपिया मानिए तो तेमनु पेंशन 60,000 रूपिया थशे। ईपीएस 95 फेरबदल में पहली सप्टेम्बर 2014 की तारीख खूब ज महत्वनी छे, जे नक्की करे छे के कोने ऊंचो पेंशन मळशे अने कोने नहीं मळे। एवा कर्मचारी जेमने पहली सप्टेम्बर 2014 पहला नौकरी की शुरुआत करी छे ते ऊंचा पेंशन माटे अप्लाय करी शके छे। पहली सप्टेम्बर 2014 पछी जोड़ायेला लोको के जेमनी बेसिक सैलरी 15,000 थी वधु छे तेमना माटे एम्प्लॉई पेंशन स्कीम ने बंद करी देवामां आवी छे। एवा लोको जेओ 2014 पहला रिटायर थया छे तेवो पण ऊंचा पेंशन माटे अप्लाय करी शके छे, जो तेमणे तेमना कार्यकाळ दरमियान आखा बेसिक ना आधार पर ऊंचा पेंशन माटे अप्लाय कर्यु हशे। ईपीएफओ ए सौप्रथम 1996 लोकोने हायर पेंशन नो विकल्प आप्यो हतो, जेमां ईपीएफओ ना नक्की करेला कैपिंग थी वधु रोकाण थई शकतु हतु। परंतु त्यारबाद आ नियम रोलबैक करी देवामां आव्यो, जो के जुदी जुदी हाईकोर्टमां ईपीएफओ ना सभ्योए तेने पाछू लावा माटेनी अपील पण करी हती। घणी वार अपील रद्द थया बाद ज्यारे आ मामलो सुप्रीम कोर्टमां पहोंच्यो तो सर्वोच्च अदालते ऊंचा पेंशनना हकमां पोतानो चुकादो संभळाव्यो। ध्यान राखो के ऊंचा पेंशनो विकल्प पसंद करना लोकोनु पेंशननी तरफ योगदान वधशे अने ईपीएफ तरफी योगदान ओछू थशे। अत्यारे एम्प्लॉयर बेसिक सैलरीनु ज्यारे 12% योगदान करे छे तो तेमांथी 8.33% हिस्सो ईपीएसमां जाय छे, ज्यारे के 3.67% हिस्सो ईपीएफमां। હવે સેલેરીના આધારે યોગદાન હશે તો તે બદલાઈ જશે। 15,000 રૂપિયાની મહત્તમ મર્યાદામાં ઈપીએસની તરફ 1,250 રૂપિયા જાય છે અને બાકી રકમ ઈપીએફમાં।
જેમ કે 1 લાખ ની સેલરી ના 12% થશે 12,000 રૂપિયા, જેમાંથી 1,250 ઈપીએસ માં જશે અને 10,750 રૂપિયા ઈપીએફ માં. પરંતુ જ્યારે આખા બેઝિક ના આધારે ડિડક્ટ થશે તો એમ્પ્લોયર નું યોગદાન તો 12% જ રહેશે, પરંતુ ઈપીએસ માં 8,330 રૂપિયા જમા થશે અને ઈપીએફ માં 3,670 રૂપિયા જમા થશે. તો નક્કી તમારે કરવાનું છે કે તમારે ઊંચું પેન્શન જોઈએ છે કે પછી રિટાયરમેન્ટ પર એક સાથે વધુ ઈપીએફ ની રકમ. અગર પેન્શન ઇન્ક્રીઝ હોતી હે ઉસકે સાથ સાથ આપકો ભી એક લમસમ કોર્પો દેના પડ રહા હે, તો પેન્શન કિસકો કિસકે લિયે બહેતર હે? મેરી રાય મે અગર આપકે પાસ સોર્સિસ ઓફ ઇન્કમ બહોત સારે હે ઓર આપ ઇસસે અગર ઈપીએસ કી પેન્શન પે આપ નિર્ભર નહીં કરતે હે, તો મેરી રાય મે આપ जो है इसके बिना भी आपका जो है गुजारा हो सकता है, इसके बिना भी आप उतनी इनकम जनरेट कर सकते हैं. तो फिर जरूरी नहीं है कि आप इस ऑप्शन को चुने, और जरूरी नहीं है कि जो आपको इसके लिए अपना पैसा देना पड़ रहा है उसको आप ब्लॉक करें, उसको आप कहीं और यूटिलाइज भी कर सकते हैं. लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस पेंशन पर निर्भर रह सकते हैं, उनको ये पेंशन एक जरिया बनेगा उनके एक्सपेंसेस को मीट करने का. उदाहरण के तौर पर टोटल एक्सपेंसेस अगर ये पेंशन बड़ी हुई पेंशन अगर आपके 40% एक्सपेंसेस को मीट कर रही है जो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरी राय में फिर बड़ी हुई पेंशन आपके लिए फायदेमंद हो सकती है और आप इसको चुन सकते हैं. तो सब कुछ निर्भर करता है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम कितनी है और आप इस पर कितना निर्भर करते हैं. વધુ પેન્શન મેળવવા માટે એમ્પ્લોયર સાથે જોઈન્ટ ફોર્મ ભરીને ઈપીએફઓ માં જમા કરાવવું પડશે. ઈપીએફઓ તમને તમારા પગારમાંથી વધારે પૈસા કેમ કપાય છે તેની જાણ કરશે અને પછી તમારી સેલેરીનો મોટો ભાગ ઈપીએસમાં જમા થવા લાગશે. જો વધેલા પેન્શન માટે ઓપ્ટ કરશો તો ધ્યાનમાં રાખો કે રિટાયરમેન્ટ વખતે એક સાથે મળનારી ઈપીએફ રકમ ઓછી હશે અને ઈપીએસ દ્વારા દર મહિને વધુ પૈસા હાથમાં આવવાના શરૂ થઈ જશે. પરંતુ આ એ જ ઈપીએફઓ છે જે દર વર્ષે વ્યાજ આપવામાં લેટ લતીફી કરતી રહે છે. ત્યારે શું તે વધેલું પેન્શન સમયસર લાગુ કરી શકશે? આવા જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વિડિયો જોવા માટે આપ મરીનાર ગુજરાતીની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો, સાથે જ રેડ આઇકન બટન દબાવજો. એટલું જ નહીં, મરીનાર ગુજરાતીના ફેસબુક પેજને પણ આપ લાઇક કરી શકો છો અને ટ્વિટર અને ઇન્સ્ટાગ્રામ આપ બંનેને ફોલો કરવાનું ના ભૂલતા, કારણ કે સમજ છે તો સહજ છે.